Garry. इस खामोशी ने सबके दिल की बात कह दी अंकल। तुम्हारे इस बेसर पैर के वाहियत प्रपोजल को सबने रिजेक्ट कर दिया है। साहिबा, तेरी क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? अपना लहजा संभाल। मेरा लहजा उस पर डिपेंड करता है मम्मी कि सामने वाला बात कर क्या रहा है। क्या आप सबको भी लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं? क्या आपको भी लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कहा? अंकल जी, आप तो समझदार हैं। आप बताइए, मैं कुछ गलत कह रहा हूं? क्या यहां किसी को भी मेरी बात के पीछे का इरादा समझ नहीं आ रहा है? मैं दो बिखरी हुई जिंदगियों को संवारना चाहता हूं, क्योंकि ये जिंदगियां हमारे अपनों की हैं। जो भी इल्जाम लगने थे वो लग चुके हैं, जिसे सजा मिलनी थी मिल चुकी है। पर मेरा मानना यह है कि अगर किसी को अपनी गलतियों पर पछतावा है तो उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। इसी को इंसाफ कहते हैं ना? वाह अंगद, वाह, कमाल है तुम्हारा इंसाफ। पहले से घर से बाहर निकाला और फिर दो दिन बाद ही से घर वापस लेकर आ गए। जिस गुनाह का दाग इसके मत्थे पर उम्र भर के लिए होना चाहिए, तुम वो दाग ही मिटा रहे हो।